नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दी दीवार। संस्थापक जो सुरजीत सिंह कोहली है उनसे मिलने आए हैं। हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे देश में कोई अपराध या कोई घटना होती है उसमें प्रशासन और जो महासत्ता में पार्टी होती है उनको दोषी माना जाता है। विपक्ष वाली पार्टी हो या सत्ता में बैठी पार्टी हो, कुछ न कुछ उसमें गहमा गहमी होती है, तो उसी पे चर्चा करना चाहेंगे आज। सर, आपका यह प्रश्न है जी कि घटना या दुर्घटना कुछ भी होती है जी, वो करने वाला कोई व्यक्ति है और भारत का नागरिक है, वो दोषी है। और उसके ऊपर दोष, अगर सरकार को ऊपर दोष देना या सरकार उसको अपने आप को दोषी मानकर उस पर पर्दा डालने का जब ये काम किया जाता है, तो ये पूर्ण रूप से देश के हित में नहीं हो सकता है। और जो चीज़ देश के हित में नहीं है तो पब्लिक के हित में कैसे हो सकती है? इवन जो सरकार के अंदर नेता बैठे हैं या प्रशासन के अंदर, उनके हित में भी नहीं होती। उनकी जिम्मेवारी है और लोगों ने आपको जिम्मेवारी दे रखी है कि उसको रोकथाम करें या उसका सही उचित करें। मगर हमने देखा पिछले कुछ दिनों से कि सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करें, चाहे वो कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कत्ल हुई है, कहीं चोरी हुई या कहीं रेप हुआ है, तो सरकार का जो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर है उसने क्या रेप करा, उसने चोरी किया, वो कैसे जिम्मेवार हो सकता है? वो व्यवसाय के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे जिम्मेवार हो सकता है? वो जिम्मेवार नहीं है। उसके अंदर कहीं त्रुटि रह गई है, उसको पूरा करने में उस कमी को दूर करना है, ना कि हमने सिर्फ एक ढोल बजाकर एक दूसरे पर अपराध को या एक दूसरे पर दोषारोपण लगाकर उसको करा। और जो विक्टिम बना है किसी भी कारण, उसके साथ क्या हुआ? वो तो वैसे ही दोषी था, दोषी ना होते हुए भी दोषी कहला गया कि उसके साथ तो उसके घर के अंदर कहीं मौत हुई है, उसके घर के अंदर कहीं चोरी हुई है और किसी बेटी का रेप हुआ है, तो उसका जीवन क्या इन्हें शोर मचाने से सही हो जाएगा? या किसी संस्था को दोष लगाने के ऊपर या प्रशासन या चीफ मिनिस्टर पर दोष लगाने का कभी नहीं। और जनता को सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर भी हुई है, अगर वो सरकार उसे कंडम नहीं कर रही तो वो सरकार ही देशद्रोही है मेरे हिसाब से। कि गलती हुई है, किसी से भी हुई है, पहले माने कि मेरी स्टेट में ये गलती हुई है, मेरे को सुधार करना है इसमें क्या क्या। अगर वो चीफ मिनिस्टर चुप रहता है और दूसरा बोलता है तो उस चीफ मिनिस्टर बनने का उसे हक नहीं है वहाँ रहने का। देशद्रोही की परिभाषा भी मेरी नज़र में यही है। और अपराध करने वाला कोई है, दोषी कोई नहीं है, तेरी जिम्मेवारी उस अपराध को रोकना, या अपराध हो गया तो उसे दंडित करने के लिए तुम उससे ज़्यादा सक्रिय हो और कम से कम अपराध हो पाए। अपराध तो होते रहेंगे, एक्सीडेंट भी होती रहेंगी, निष्पक्ष भाव से करना ही सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारी है। सर, ऐसी चीज़ों को लेकर आखिर जो हमारी देश की जनता है उनकी मानसिकता कैसे बदली? मानसिकता जो है मीडिया का ही रोल है, मीडिया ने दिया है। जो जो चीज़ हम किसी को देते रहते हैं, बच्चा जो है आज भारत की जनता अधिक जो है वो सिंपल है और सरल है, उसको जो भी हम परोस के देते हैं उसे वो सच मान लेती है। तो हम अगर इसकी अपनी विचारधारा की दिशा को बदलेंगे तो लोग तो एकदम ही बदल जाते हैं, और सहयोग देने की नीति होती है और अपराध कम हो जाएं और लोगों के सहयोग से कम होंगे। लोगों को इतना डर कर दिया और लोगों को ये बता दी कि जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं, ये जनता भी अपराधी है कि उसने जो जिम्मेवारी है सरकार पर डाल दी है। जिम्मेवारी उस आस पास के हर लोगों की है। RW का मतलब ही यही है कि पहले दोषी वो हैं जो वहाँ के रेजिडेंस हैं, अगर वो उस पर सजग होंगे तो ये अपराध भी कम से कम होने लगेंगे। तो आपकी संस्था के तरफ से देश की जनता को क्या संदेश होगा? हमारे को जब भी कहीं बुलाया गया है, जब भी हमने देखा है, वहाँ जाकर अपने विचार दिए हैं और उसका हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लोगों ने भी उसके जिम्मेवारी समझकर उस अपराध बोध को भी देखा है, सहयोग दिया है और पुलिस को भी सहयोग दिया है। मगर पुलिस जो है जनता को भी दोषी मान लेती है और सरकार तो अपने को निर्दोष साबित करने में लगी रहती है, जबकि दोषी को पकड़ना तेरा कार्य था, तेरे को दोष से निर्दोष करना ये तेरा कार्य नहीं था। और आज की राजनीति इसके अंदर अपराधीकरण है, अगर इस सारे काम में है तो राजनीति ही अपराधीकरण है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।